भगवती दुर्गा की स्तुति के पाठ का फल। इस स्तुति का पाठ करते समय हमें इस प्रकार देवी का ध्यान करना चाहिए। मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूं। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटब का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमीजनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वो मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं उत्तम संतान से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है।
मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से अक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर ये अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला होता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध्य, धूप, दीप, गंधादि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, आपने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर किंबहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वो मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं।